स्टूडेंट्स, तो देखते ही अगला क्वेश्चन, ये जेई में 2013 का है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए थे, S1 और S2, और दोनों स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट दिया था फलासी, दूसरा है टाटोलॉजी दिया था। और फिर ऑप्शन आप सब जानते हैं कैसे पूछा जाता है। S1 इज ट्रू, S2 इज ट्रू, S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1, फिर S1 इज ट्रू, S2 इज ट्रू, S2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1, S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स, S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले मुझे ये चेक कर, मतलब ये चीज़ हमको ऑप्शन पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब S1 ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम सबसे पहले S1 और S2 के ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे, क्या वो फॉलसी या टाटोलॉजी है कि नहीं है। दोनों स्टेटमेंट को मैं जब देखा और समझा तो मतलब मुझे एक ही चीज़ दिखाई दिया कि दोनों में केवल और केवल दो वेरिएबल है, पी और क्यू। इसका मतलब जो मेरा जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें केवल और केवल दो वेरिएबल होंगे। तो मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ यू, और ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा। नंबर 1, 2, 3, 4 अपने हिसाब से जैसे मन करे वैसे डाल दीजिए, मैंने मान लीजिए ऐसे डाल दिया। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट का, S1। तो S1 को अगर मैं सेट थ्योरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या दिखेगा, लिखा है P एंड नेगेशन Q। इसको मैं लिखूँगा तो P इंटरसेक्शन Q बार हो जाएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ये क्या है, P बार इंटरसेक्शन Q। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेट थ्योरी से। ये बोल रहा है कि P इंटरसेक्शन Q बार, Q के बाहर क्या है, 2 और 4, और उसके मैं P के इंटरसेक्शन लूँगा, P के बाहर क्या है, 2, 4, और P में क्या है, 1 और 2। तो 1 और 2 और 2, 4 में कॉमन क्या है, तो वह है 2। समझ में आ रहा है, देखिएगा ये क्या Q का बार है, यानी Q के बाहर क्या है, 2 और 4 है, और P में क्या है, 1 और 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2। इंटरसेक्शन इसको बात करते हैं P के बाहर क्या है, 3 और 4 है, P के बाहर 3 और 4 है, और Q में क्या है, 1 और 3 है, 3, 4 और 1, 3 में कॉमन क्या है, 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो आएगा 5। स्टेटमेंट आपका सॉल्व होके क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फालसी है, ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो जिसमें अगर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4 मैं डायरेक्टली बोल दूंगा गलत हो गया। अब मैं बात करता हूँ S2 की, S2 मेरा क्या आएगा, S2 देखिएगा क्या दिया हुआ है, P implies Q, double implication, negation Q implies negation P। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसको मैं इक्विवेलेंट बोलता हूँ, इक्विवेलेंट भी बोला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके इस साइड जो आया, अगर इसके इस साइड जो आया, मतलब LHS साइड में जो आया और RHS साइड में आया, अगर दोनों इक्वल है तो ये टॉटोलॉजी बोला जाता है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसको फॉलसी बोला जाएगा। सीधी सी बात है, वो सीधा फॉल्स हो जाएगा, फॉलसी नहीं बोला जाएगा, मतलब दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब फॉलसी बोला जाएगा, अगर कुछ कॉमन है तो फॉलसी नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए, जो इस साइड का आ रहा है वही इसी साइड का आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम, डिट्टो इस साइड का LHS में जो आ रहा है और RHS में जो आ रहा है, अगर डिट्टो सेम होता है तो उसको हम टाटोलॉजी बोलते हैं। तो हम इसका LHS निकालते हैं, P इम्प्लाइज Q को मैं लिख सकता हूँ नेगेशन P और Q लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है, इसको देखिए इसका तो ये देखिए P का निगेशन P था, तो निगेशन Q का निगेशन करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, Q मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं Q कैपिटल लेटर लिख देता, निगेशन Q का निगेशन करूँगा तो क्या मिलेगा, Q, और निगेशन P, देखिए यहाँ Q था तो यहाँ पर Q हो गया, तो निगेशन P की जगह क्या आ जाएगा, निगेशन P ही आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। लेकिन मैं फिर भी सेट थ्योरी से दिखा देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ P का बार यूनियन Q, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए ये क्या है, P का बार यूनियन Q, दोनों सेम आ गया। इसका मतलब ये टॉटोलॉजी है, लेकिन फिर भी अगर सेट थ्योरी से कन्वर्ट कैलकुलेट किया जाए तो ये P के बाहर क्या है, 3 और 4, और उसका यूनियन क्या है, Q के साथ क्या, 1 और 3 के साथ। तो ये देखिए 3 और 4 का यूनियन करेंगे 1 और 3 के साथ, तो अपने को क्या मिलेगा,
134 इज इक्वलेंट टू, इधर देखिएगा पी के बाहर, पी के बाहर क्या है 3 और 4, और यूनियन करेंगे क्यू यानी कि 1 और 3 से, तो ये भी क्या देगा 134 ही देगा, कि दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ गए। इक्वल आ गए मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा टॉटोलॉजी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ट्रू भी ट्रू आ गया, तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन 1 और 2 में आ जाते हैं, S1 is true, S2 is true, दोनों में ट्रू है, डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1 बोला गया है और S2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1 बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं क्या S2 और S1 रिलेटेड है कि नहीं है, इसको देखिए ये क्या लिखा है। तो अगर जैसे यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर कहीं आया है क्या, देखिए यहाँ पर यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, मतलब इसमें कोई रूल ऐसा नहीं है जो इसमें कॉमन है। मतलब क्या होता है, अगर इसकी वजह से ये 0 आ रहा होता तो हम बोलते थे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट इसकी वजह से इसका कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं, ये अपना अलग रूल है और ये उसका अपना अलग रूल है, इसीलिए जो ऑप्शन 2 होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 जो होगा वो गलत होगा, यानी कि S2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। देखिएगा जो भी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या दिया जाता है, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट 2 दिया है, तो स्टेटमेंट 2 रहता है, अगर स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 2 एक रूल होना चाहिए स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करने में, अगर स्टेटमेंट 2 एक रोल प्ले करेगा स्टेटमेंट 1 के लिए तभी हम बोलेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर स्टेटमेंट 2 कोई रोल प्ले नहीं करता है, अगर स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअल है, स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअल है, तो हम उन दोनों को कोई रिलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी मैं इंडिविजुअली दोनों को फाइंड कर रहा हूँ, कोई में कोई रिलेशन नहीं है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है जो यहाँ पर आकर के इसकी वजह से ये 0 हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। देखिए इतना सिंपल है, समझ में आ रहा, आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, करना क्या है आपको केवल प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।